नमस्कार दोस्तों, वाईटी मनोज कुमार चैनल में आप सबको स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम फ्री फायर गेम की, जो पहले हम बात किए थे जो कि पार्ट वन था, और इस जो पार्ट टू आज हम जो बताने जा रहे हैं इसमें एक्चुअली ऐसा क्या खासियत है। दोस्तों इस वीडियो को आज जितने भी वो तमाम पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए, साथ ही साथ उनके जो किड्स थे उनके लिए भी, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे पुलिस अधिकारी ने उस हैकर्स डिपार्टमेंट को, उनके जो टीम थे, बेसिकली टोटल 7 पीपल्स ओवर देयर, तो 6 जन थे और एक लड़की यानी कि गर्ल पर्सन था इस फ्री फायर गेम्स की, जो स्कैमर हुआ था 8 लाख रुपीज़ की, तो उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। सो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ओके कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट हम लाते रहेंगे दोस्तों। सो देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो इमेज में शेयर किया हूँ फ्री फायर गेम की, यदि मैं बात करूँ ग्लोबली इसका जो सब्सक्राइबर है, इसका जो यूज़र है 10 मिलियंस एबव, यानी कि 80 to 90 मिलियंस ग्लोबल में, ग्लोबली बात करूँ यानी कि जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल से 2020 मई तक 1 बिलियन हो चुका है दोस्तों ग्लोबली। यदि मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में 10 मिलियन से एबव लोग इस चीज़ को, इस गेम को खेल रहे हैं, साथ ही साथ इसमें भी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों इसमें आज हम बताएंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कैसे एक मतलब सिटी के एक टीचर ने आपकी अपनी बेटी की शादी के लिए जो अमाउंट सेविंग था, वो सेविंग उन्होंने रखे थे 8 लाख रुपीज़, और उनका जो किड्स है जो कि 6 क्लास में पढ़ाई कर रहा था, उनके डेबिट कार्ड से इस गेम को खेलने के बाद अमाउंट जो है डिडक्ट हो गया और इनको पता ही नहीं चला। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, बने रहिए टिल एंड तक, बात करेंगे और जानेंगे एक्चुअली कैसे क्या हो गया इसके बारे में। दोस्तों जैसे मैं बताऊँ, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये जो फ्री फायर गेम होते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि गेम को खेलना गलत बात है, लेकिन गेम पे जो प्राइवेसी पॉलिसीज है उसको आपको फाइंड करना जरूरी है। जो टर्म एंड कंडीशन है, जो गैनेरिया का कंडीशन है फ्री फायर की, वो चीज़ को आप लोगों को फाइंड करना रिक्वायरमेंट है, वो जरूरी है। दोस्तों जब आप गेम खेल रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता नहीं सामने वाला कोई हैकर है, कोई फ्रॉडर है, या आपकी वो मदद कर सकता है, या आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट कर सकता है। दोस्तों अमाउंट डिडक्ट होने के बाद उस पैसे के वो एक डिफरेंट वे से उसके ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, कहीं पे शॉपिंग हो जाता है, पेटीएम से हो जाता है, देयर इज लॉट ऑफ थर्ड पार्टी पर्सन्स, वो अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को आज हम देखेंगे, और दोस्तों आज भी ये भी फाइंड आउट करेंगे कि ये आगरा से वो जो लड़के हैं उसको गिरफ्तार किया गया है, हमारे जो अधिकारी है इसमें क्या बताते हैं, आप भी यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है जो मेरे लॉजिक आज पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाइंड आउट मैंने किया हूँ कि यहाँ पे जो हैक्स होता है, जो डायमंड्स होता है, नेक्स्ट लेवल जाने के लिए लेवल्स 1, 2, 3 से लेकर एवव जितने भी लेवल्स है उस लेवल में जाने के लिए यहाँ पे अमाउंट की रिक्वायरमेंट होता है। तो इसी चीज़ को देखकर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जो डायमंड से, जो हैक से इसको परचेस करने के लिए, और ये अमाउंट यहाँ पे 6 to 8 लाख रुपीज़ डिडक्ट हो चुका है किसी की सेविंग से। दोस्तों यदि मैं बात करूँ इंडिया की 138 करोड़ पॉपुलेशन फिलहाल के लिए, हो सकता है ये हादसा आगे आपके साथ हो सकता है, आपकी पेरेंट्स के साथ हो सकता है, या आपके किड्स के साथ हो सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ को देखिए और जानिए ये प्रॉब्लम आखिर क्यों होता है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, जो वीडियो मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, ये हमारी अधिकारी है, जो थाने के अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी, उनका क्या ओपिनियन है, क्या बयान है, आप इसमें देखिए। अभी ये आपके लिए मैं शेयर किया हूँ स्क्रीन पर। अपनी बेटी को शादी करने के लिए लॉकडाउन की वजह से वो शादी नहीं कर पाए थे, तभी उनका 6 क्लास में बच्चा जो गेम खेलता है उसकी एक दोस्ती एक बड़े गेमर के साथ हुई, और उसने उसको बरगला करके उसके डेबिट कार्ड से अपने अकाउंट में प्लस अपने साथ अन्य साथियों के अकाउंट में जो गेमिंग जो जो गेमिंग पॉइंट्स हैं जिसको हम डायमंड कहते हैं उन खरीद करके डलवाया, ताकि जो ग्लोबल कंपटीशन में जाए उसकी असर रखती कि हम ग्लोबल चैम्पियन बने। और इस तरह से 8 लाख के उसने 8 लाख रुपये का पैसा जो है गेमिंग साइट में ले जाकर के खर्चा किया, और डेबिट कार्ड इस बच्चे का, इसके पिताजी का डेबिट कार्ड यूज़ किया था, इसको हम लोगों ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया। इसने बताया कि 6 लड़के और एक लड़की ये इस गांव में, गेम की खासियत यह है कि जो आदमी जितना पैसा खर्चा करेगा उसको उतने हैक्स मिलेंगे, और जब हैक मिलेगा तो वो हाई लेवल पर चला जाता है,
इस लड़के ने बताया कि इसके लगे लेवल से हमने पूछ लिया था और आगे पूछने के लिए हमको और हैक्स खरीदने थे और डायमंड्स खरीदने थे, तो उसके लिए इसको इस लड़के को पर जा सकते ये भी क्लास में है, ये भी दिन भर गेम खेलता रहता है, तो कहीं ना कहीं पूरी टीम ये इस लड़के की थोड़ी गलती है क्योंकि वो टीम का हिस्सा बनना चाहता था, तो इसने अपने पापा का डेबिट कार्ड शेयर कर दिया और डेबिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है उससे उसने। दोस्तों आपने वीडियो देख लिए और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपको इसमें क्या सीखने को मिला, जो हमारी वरिष्ठ अधिकारी ने आप लोगों के साथ ये शेयर किए कि ये जो लेवल्स होता है डायमंड्स होते हैं वेपन्स होता है इस चीज़ को परचेस करने के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, और जैसे इन लोग एक टीम थे गैंग थी, टोटल्स मैंने बताया कि 7 पीपल थे और एक यहाँ पे लड़की भी इसमें फाइंड आउट है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए और ये जो वीडियो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ 47 सेकंड्स की, ये वो बच्चा का है जिसको गिरफ्तार किया गया आगरा से और ये इसी में शामिल था और उनका जो टीम है अभी भी उनका फाइंड आउट किया नहीं गया है, बट पुलिस का मानना यही है कि इस चीज़ को वो एज सून एज पॉसिबल अपनी ओर से अपडेट करेंगे। तो अभी आप ये 47 सेकंड्स की जो वीडियो है आप चेक कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे इस वीडियो के बाद। फ्रेंड्स आपने इसमें देखे कि ये जो बच्चा है यानी कि ये आई थिंक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, बट जो इशूज हुआ क्यों हुआ उन्होंने ये बताया कि ये जो उनको हैक्स चाहिए था डायमंड चाहिए था इसके रिगार्डिंग ये हुआ है और इसको गिरफ्तार ऑलरेडी किया गया है, उसका जो साथी टीम है उनसे अभी छानबीन जारी है। तो मेरे सबसे हमारी YT मनोज कुमार चैनल से सबको यही रिक्वेस्ट है आप गेम खेलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके किड्स जो काम कर रहा है जो एक्टिविटीज़ कर रहा है डे बाय डे उसको ध्यान देना चाहिए ताकि आगे जाकर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। और दोस्तों मैंने पिछले बताया था कि विदाउट OTP आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जैसे यहाँ पे पेमेंट मेथड है पेमेंट मेथड में जाके यदि आप इसको एक्टिवेट कर रहे हो या इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। तो और एक चीज़ मैंने बताया था आप किड्स को जो मोबाइल दे रहे हो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन gmail ID या मोबाइल नंबर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, होता है तो आप इस चीज़ को चेंज कीजिए या ध्यान दीजिए। यदि इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रहा है तो फर्स्ट जो वीडियो मैंने डाला हूँ फ्री फायर गेम के व्याप में उसको आप चेक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट और नया टॉपिक में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में YT मनोज कुमार।